प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में आज यानी कि 27 दिसंबर को हिमाचल सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आ रहे हैं, जो कि हिमाचल की जनता के लिए बड़े गौरव की बात है। दिव्यांगजनों के कानूनी सलाहकार एवं मुख्य समाज सेवी कुशल कुमार सकलानी ने इस पावन अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के माध्यम से पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक दिवस पर देश के दिव्यांगजनों के लिए उनके हक में ऐलान करके एक स्वर्णिम इतिहास और देश व प्रदेश के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धर्मशाला से दिव्यांगजनों के लिए राज्यसभा और लोकसभा से पारित प्रस्ताव को महामहिम राष्ट्रपति की मोहर लगवाने के बाद दिव्यांगजनों के हक में अक्षरक्ष लागू करने का आह्वान किया है, जिसमें अधिसूचना को बिना विलंब जारी किया जाए। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से लागू करने और दिव्यांगजनों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष करने, जो कि दिव्यांगजनों के कानून के तहत प्रावधान है, इस अधिसूचना को लागू करने की मांग की है। इसी तरह से जो आरक्षण पहले 7 श्रेणियों के लिए 3% था, अब 21 श्रेणियों के लिए आरक्षण भी 3 की बजाय 10% करने का आग्रह किया है। सकलानी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश और देश के ब्यूरोक्रेट सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हैं और जनता के काम को बिना किसी कारण के लटका रहे हैं, चाहे वह काम दिव्यांगजनों से संबंधित हो या समाज के किसी अन्य वर्ग से संबंधित हो। विशेष करके दिव्यांगजनों के कार्य पे विलम्ब होता है, जो कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखित में आग्रह किया है कि देश के हर दिव्यांग के लिए जो आपने एक्ट 49/2016 बनाया है, उसे लागू करने तथा दिव्यांगजनों के लिए अलग से मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करना। दूसरी तरफ 50 से 60 वर्ष सेवानिवृत्ति दिव्यांगों की करना। इसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि पर धर्मशाला में प्रदेश सरकार के एक साल के कार्यकाल पूर्ण करने पर आ रहे हैं, उनका प्रदेश और देश का दिव्यांगजन हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है और पूर्ण उम्मीद करते हैं कि हर कार्य अच्छे से प्रदेश और देश में हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन जब तक यह मामला किसी जाति धर्म विशिष्ट क्षेत्र राज्य से संबंधित नहीं है, यह हर नागरिक हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इस कार्य की घोषणा इस पवन पवित्र भूमि धर्मशाला से की जाती है, तो यह बहुत ही बड़े पुण्य का कार्य और महान उपलब्धि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी।